अहोई अष्टमी 2023 डेट 4 या 5 नवंबर कब है? अहोई अष्टमी का व्रत जाने शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के साथ साथ सहाई माता की भी उपासना की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के दिन चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और तारों की छाव में व्रत का पारण करती है। अहोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती है, जबकि निसंतान महिलाएं भी पुत्र का कामना के लिए वर या व्रत रखती है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी 2023 शुभ मुहूर्त उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी इस बार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर को रात 12:59 से शुरू होगी और समापन 6 नवंबर को प्रातः 3:18 पर होगा। अहोई अष्टमी का पूजन मुहूर्त इस दिन शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। इस दिन तारे दिखने का समय शाम 5:58 रहेगा। अहोई अष्टमी शुभ योग। साथ ही इस बार की अहोई अष्टमी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के समय पुत्र की लंबी आयु और उसके सुखमय जीवन की कामना करें। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। माँ पार्वती की आराधना करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही शाही और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंगाड़ा आदि रख कर अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या सुनाएं। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। इसमें उपयोग किया जाने वाला करवा भी वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया हो। शाम में इन चित्रों की पूजा करें। लोटे के पानी से शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य दें। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का विधान है, जिसे स्याही कहते हैं। स्याही की पूजा रोली, अक्षत, दूध और भात से करें। अहोई अष्टमी उपाय। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करते समय उन्हें सफेद रंग के फूल अर्पित करें। अहोई अष्टमी के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। इस उपाय को आप अहोई अष्टमी के लेकर भाई दूज तक कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सिंदूर अर्पित करें। इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सिंदूर अर्पित करें। इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां वह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देव योग से साहूकार की पत्नी को उसी स्थान पर एक साही की मांद थी, जहां वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक कुदाल साहूकार की पत्नी के हाथों साही के बच्चे को लग गई, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। साही के बच्चे की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब कर भी क्या सकती थी।
वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके सातों बेटों की मौत हो गई। इससे वह बहुत दुखी लहराने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसी को शाही के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया, यह हत्या उससे गलती से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सातों बेटों की मौत हो गई। यह बात जब सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज जो बात तुमने सबको बताई है इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहुई माता तथा शाही और शाही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इसी प्रकार उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उसे सात पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो आप अहोई व्रत अष्टमी, अहोई अष्टमी की विधि, तिथि और पूजा करने की तरीका को जाने होंगे। थैंक यू।